है व्हाट्स अप गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो यार ये काफ़ी अवेटेड वीडियो है, लाइक बहुत सारे कमेंट करके पूछ रहे थे और इंस्टाग्राम पे भी डीएम करके पूछ रहे थे कि यामाहा एमटी BS6 और R15 version 3 BS6 इन दोनों का हाइट की वीडियो लाओ, लाइक मिनिमम कितने हाइट वालों के लिए गाड़ी सही है, कितने हाइट वाले इसे चला पाएंगे इजिली, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एज यू ऑल नो यार हाइट वाली प्रॉब्लम सबके साथ होती है और मन में एक वो रहता है कि यार मैं चला पाऊँगा कि नहीं। सो आज देख लो ये मेज़रमेंट वाली सब कुछ लेकर आ चुके हम लोग, एग्जैक्ट मेज़र करेंगे हम लोग हाइट भाई की और इनको बिठाएंगे गाड़ी पे और फिर बताएंगे कि मिनिमम कितने हाइट वालों के लिए ये गाड़ी सही है और मिनिमम कितने हाइट वालों के लिए ये गाड़ी सही है। ऑलरेडी इन दोनों का रिव्यू का एक वीडियो आ चुका है, लेकिन इन दोनों गाड़ी में से कौन सी बेस्ट है सो वो वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, आई बटन में लिंक होगा। और अभी हम लोग हाइट वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप जो कमेंट करते हो जो इंस्टाग्राम पे बताते हो सिर्फ वही वीडियो में लाता हूँ। और अभी हम लोग कह रहे हैं युवराज यामाहा पे जो कि सिग्रा में है और इसका एड्रेस वगैरह सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज एज यू ऑल नो ऑलरेडी हम लोग हाई टेस्ट KTM RC 200 और KTM Duke 125, KTM Duke 250 इन सब गाड़ियों पे हम लोग हाइट टेस्ट की वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं, लाइव हाइट टेस्ट। और KTM की बाइक्स पे कैसे हाइट रिड्यूस करना है, लाइक मोनोसॉक्स को कैसे सीट एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी वीडियो हमने किया है, वो फर्स्ट वीडियो थी यूट्यूब की पूरी। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आई बटन में सारा कुछ आ रहा होगा। और अभी हम लोग बुलाएंगे संजय भाई को, एज यू ऑल नो हमारे हर हाइट वाली वीडियो में संजय भाई रहते हैं और ऑलरेडी इनका हाइट हमने कई सारे वीडियो में लाइव मेज़र किया है, बट स्टिल हम लोग इसमें फिर से इनका एक बार हाइट मेज़रमेंट करेंगे और फिर भाई को बिठाएंगे गाड़ी पे और इनको दिखाते हैं कि इनका पोजीशन कैसा आता है। और इन दोनों गाड़ियों का सीट हाइट एडजस्टमेंट वाली वीडियो चाहिए होगी तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। सो अभी भाई का हाइट मेज़र करते हैं। वैसे इनकी हाइट है 5'1" है, 155 सेंटीमीटर, बट स्टिल हम लोग फिर से कर रहे हैं और एज़ ऑलवेज भाई का हाइट उतना ही है, कुछ बड़ा नहीं है। आप लोग देख सकते हैं 5'1" इनका हाइट है मेरे भाई का, संजय भाई का। और अभी हम लोग संजय भाई को बिठाएंगे एमटी पे, देन बिठाएंगे R15 पे और इनका पोजीशन देखते हैं, लाइक सीटिंग पोजीशन कैसा है। सो भाई को कहते हैं पहले एमटी पे बैठने के लिए और जैसा कि भाई बैठ गए हैं और इनका पोजीशन आप लोग देख सकते हैं, ये स्टैंड हट गया है, भाई बिल्कुल एकदम टॉप पे खड़े हैं अपने और देख सकते हैं अभी इनका पोजीशन। मैं राइडर से कहूँगा थोड़ा नीचे से दिखाएं, इधर एंकल पूरा उठा हुआ है, लाइक पूरा पैर उनका उठा हुआ है, केवल टॉप पे गाड़ी खड़ी है और इधर से भी देख सकते हैं आप। सो यार भाई जिन भाइयों की हाइट है 5'1" 155 सेंटीमीटर उनको काफ़ी दिक्कत होने वाली है इस गाड़ी में, लाइक बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ट्रैफिक वगैरह हर कहीं में भी दिक्कत होगा, लाइक गाड़ी हैंडल करने में काफ़ी दिक्कत होगी। सो उनको मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगा। भाई अभी एमटी बैठे थे और जैसा इनका सीटिंग पोजीशन आप लोग देखें, लाइक इनका हाइट है 5'1" है, 155 सेंटीमीटर और ये मतलब हैंडल नहीं कर पा रहे थे। और जिनकी हाइट 5'3" है या 5'3" से एवब है वो इस गाड़ी को हैंडल कर लेंगे, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी इस पर। सीट हाइट एडजस्टमेंट की भी वीडियो हम लोग लाएंगे अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे बताएंगे तो। और अभी भाई को बैठाते हैं R15 V3 पे, भाई बैठिए और इनका पोजीशन देखते हैं। भाई का पोजीशन देख सकते हैं इधर से भी, गाड़ी बिल्कुल टो पे खड़ी है, पीछे से पैर बिल्कुल उठा हुआ है, उधर से भी दिखाइए अच्छे से। सो देख सकते हैं अभी भाई का पोजीशन, यार काफ़ी दिक्कत होंगी, आप आइए। सो गाइज जिनका हाइट 5'1" है, 155 सेंटीमीटर है, उनको इन दोनों गाड़ी के ऊपर दिक्कत होने वाली है। 5'1" से नीचे वालों को तो मैं ये रिकमेंड ही नहीं करूँगा, क्योंकि इसका सीट हाइट भी एडजस्ट करूँगा तो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, सीट हाइट भी काफ़ी ज़्यादा कम नहीं होता है, बट आप लोग कहेंगे तो मैं सीट हाइट एडजस्टमेंट की वीडियो लाऊँगा। और जिन भाइयों का हाइट 5'5" से ज़्यादा है वो इसे आराम से हैंडल कर लेंगे इन दोनों गाड़ियों को। सो ये थी आज हमारी प्रॉपर हाइट वाली वीडियो। सो गाइस ये थी आज MT BS6 और R15 V3 BS6 इन दोनों की हाइट कंपैरिजन की वीडियो।
आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगी, थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और यार नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए वो भी बताओ, और इन दोनों का हाइट एडजस्टमेंट की वीडियो चाहिए, सीट हाइट एडजस्टमेंट वो भी मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। और सो यार जिनकी हाइट 5 फुट 1 इंच है वो इस गाड़ी को चलाने में काफ़ी दिक्कत होगी, और जिनकी हाइट 5 फुट 5 इंच से ज़्यादा है वो इजीली इसे हैंडल कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस एंड लव।